सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। यहीं कहीं होना चाहिए वो काला साया। अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके उसका पता लगाती हूँ। काले साये, मैं तेरी कर्कश आवाज सुन सकती हूँ। मुझे पता है तू यहीं कहीं है। अगर दम है तो सामने आ, सामने आ और बता तू चाहता क्या है। पहले तू बता, तू कौन है? तुझ में डर का अंधेरा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया की एक अनोखी रक्षक नाग कन्या हूं। इस दुनिया से अन्याय, अपराध और जुर्म को मिटाना ही मेरा मकसद है। और क्योंकि मेरा मकसद इतना नेक और पाक है, मेरे अंदर ना कोई शंका है और ना ही कोई डर। और याद रखना, मेरे रहते हुए मैं तुझे तेरी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। तुझे मेरे मकसद के बारे में पता ही क्या है नाग कन्या, लेकिन दिल छोटा मत कर, मैं तुझे सब बताऊंगा। पर बताने के लिए मुझे वापस आना होगा, जल्द, बहुत बहुत जल्द। लेकिन आज के लिए इतना ही, पिक्चर अभी बाकी है मेरी दुश्मन। मैं तुझे ऐसे बच के नहीं जाने दूंगी। फिर मेरे हाथ से निकल गया, चकमा दे गया मुझे, लेकिन याद रखना, अगली बार तू मुझसे नहीं बचेगा। अब तू यहां और वो भी अकेले, क्या सिचुएशन है? सुनसान जगह, डफू अकेली और मेरे हाथ में ये सांप। गजब का सीट जमेगा, अब ले मजे। थैंक यू भोले भंडारी। ये सांप, ये सब क्या था? सोना? हाँ राजू, मैं सोना ही हूं। उस दिन कुएं में जब सांप ने मुझे काटा, उस दिन के बाद मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया। मैं सोना के साथ साथ अब एक नाग कन्या भी हूं। मेरे अंदर सांप की सारी शक्तियां हैं, अंधेरे में देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति,
तेज दौड़ने की शक्ति और भी बहुत कुछ। इसीलिए जब कहीं किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो मैं नागकन्या के रूप में आ जाती हूँ। मतलब कि तू वो नागकन्या है जिसके वीडियोस इंटरनेट पर छाए हुए हैं, और तू तो इंटरनेट पर ऐसे छा गई है कि जैसे जलेबी के ऊपर रबड़ी। ये देख, मैं तो ये सोच रहा था कि ये वीडियो झूठ मूठ के हैं। मुझे क्या पता था कि हमारी डप्पू ही नागकन्या है। ए राजू, अब मुझे डप्पू मत बोला। ठीक है, नहीं बोलूंगा, मगर एक प्रॉमिस कर, तो अपने सारे एडवेंचर्स मुझे जरूर बताएगी। हाँ, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मेरा सच ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहना चाहिए, वरना समोसे की दुकान बंद करवा दूंगी। सर, हेलो। हाँ हाँ सर, ओके जी जी सर, मैं अभी पहुंची। हाँ ओके ओके सर। हाँ चल राजू, मुझे जाना होगा, पर वादा याद रखना, किसी को मत बताना। प्रॉमिस। चल बाय। क्या हुआ सोना, आधी तोड़फोड़ शुरू? कमाल करती है। मुझे एक बात बताओ, नीलेश के घर से कहाँ चली गई थी? You know, I was really worried for you. वो मैं क्रिस, तुम आओ। क्या सर? गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून शशि। सर सोना। अरे मुझे नहीं है सोना, मुझे चाहिए न्यूज, और हमारे पास दो दो ब्रेकिंग न्यूज है। पहली, काला साया। तुम्हें पता है ना, मुझे पता करना कि वो साया कितना काला है। और दूसरी, नागकन्या, उसके बारे में मुझे सब डिटेल्स चाहिए। क्या बला है, वो झूठी है या सच्ची, वो इंसान है या शैतान। सर नागकन्या, नागकन्या कौन? अरे तुमने नागकन्या के बारे में नहीं सुना? एक मिनट, मैं तुम्हें वीडियो दिखा। एक मिनट, नागकन्या के बारे में नहीं जानते? ये देखो उसका वीडियो देखो। सर ये तो पूरी फ्रॉड लग रही है मुझे। शेरोनी सर, मुझे भी कुछ सचवच नहीं लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है किसी कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से किया गया है। आजकल सर लोगों के पास वैसे ही बहुत टाइम है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम पता करो कि ये सच्ची है या झूठी। अगर ये झूठी है तो उसका पर्दा फाश करो, और अगर ये सच्ची है तो पर्दे पे उसका इंटरव्यू ले आओ, समझे? ओके सर। ओके ओके सर। नागकन्या यार, आई थिंक मुझे ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक अब जूली सही कह रही है, ये नागकन्या की रिपोर्ट पे काम करने से पहले हमें वो काले साई की रिपोर्ट पे काम करना चाहिए। देखो ना, अब उसकी वजह से कितने सारे मासूम लोग गायब हो गए, उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है ना। ओके और क्रिश, उस बच्चे ने कुछ बताया तुम्हें, क्या हुआ था उसके माँ बाप को? हाँ वो एक काम करो ना यार, तुम ये वीडियो ही देख लो। वो काला साई मेरी मम्मी पापा को ले गया, लेकिन मैं नहीं डरा। मैं बहुत उदास था, दुखी था, मगर मैं नहीं डरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्रिश, इस स्टोरी में दम है, इसे आगे ले जाओ। yes, और जिस जगह पे हादसा हुआ है उसकी तफ्तीश करो, तुम्हें और एक लीड मिल जाएगी। हाँ सर, और हो सकता है हमें वो काला साया वहाँ मिल जाए, और हमें उसकी फुटेज भी मिल सकती है वहाँ पे। जूली वेरी स्मार्ट, तुम जूली को साथ ले जाओ। सर एक रिक्वेस्ट है, हाँ? मैं इसे भी साथ में ले जाऊं? हैं? एक्चुअली बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको एक्सपीरियंस मिलेगा सर। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम भी साथ चले जाना भीम सिंह। सर सोना। अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं है सोना। है? सोना सोना चल, 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 जाओ, तुम सब जाओ, जाओ, जल्दी करो। या, सर। क्रिश, तुमने ये नीलेश का वीडियो कहां बना? ये खुफिया वीडियोस ना एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत बड़ा औजार होते हैं, और सीक्रेट भी। अच्छा बच्चू, मुझसे सीक्रेट? ठीक है, अब से मैं भी तुम्हें अपना कोई सीक्रेट नहीं बताऊंगी। क्रिश जल्दी चलो ना, कहीं हमारी काली साई की स्टोरी हाथ से ना निकल जाए। ओके भीम सिंह, तुम भी चलो। हाँ।
यही है वो जगह जहाँ काला साहब ने अपना आखिरी बार किया था। आई थिंक उसका नेक्स्ट शिकार भी यहीं होगा। हमें चल के वेट करना चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो। क्रिश, I can't wait to see him. क्या वो टॉल डार्क और हैंडसम होगा? सीरियसली? क्रिश, अगर वो काला साय आ गया तो मुझे नहीं लगता हम उसे कैप्चर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना अंधेरा है। ये तो काला साया है, वो इसी तरफ आ रहा है। मार के सोना, अब मैं इन दोनों को कैसे बचाऊं? अगर अब मैं नागकन्या बनके कुछ करूंगी तो ये दोनों वीडियो भी नहीं बना पाएंगे। मुझे ना, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। बहुत घबराहट हो रही है, डर भी लग रहा। क्यों? मैं तो शॉक्ड हूँ कि तुम यहाँ पे 10 मिनट भी कैसे रुक गई, डप्पू कहीं की। यार सुना, तुम ठीक हो? नहीं माँ, तुम लोग रुको, मैं जाती हूँ, कल मिलती हूँ। अरे बट दिस इज, अरे सोना, अरे सॉरी क्रिश, सॉरी जूली, लेकिन तुम लोगों को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। रुक जाओ काले साहब, वहीं रुक जाओ। Wow, man. This is unbelievable. क्रिश, नागकन्या और काला साया दोनों एक साथ, हमारी दोनों स्टोरी। सुपर हीरोइन वर्सेस सुपर विलेन। आई नो ये बहुत बड़ी खबर है, पर प्लीज यार तुम थोड़ा एक्साइटमेंट कम रखो, खतरा भी है हमारे को यहाँ पर। प्लीज ध्यान दो काम पे। बैटरी कहाँ है यार? तुमने चेक नहीं की थी क्या पहले? डोंट वरी, डोंट वरी, क्या मैं लेके आता हूँ यार। अरे क्रिश, इससे रिकॉर्ड कर लेते ना। प्लीज करो जल्दी यार, छूट जाएगा वो। हाँ। जिनमें ताकत होती है वो ऐसे छुप छुप कर वार नहीं करते। छुपना तो मेरी फितरत में है पगली, मैं साया हूं, कभी यहां कभी वहां, पकड़ सकती है तो पकड़। दम है तो सामने आ और आंखों में आंखें डाल कर लड़।
तुझे पकड़ने से पहले मुझे तेरे अंदर डर पैदा करना पड़ेगा, तेरे अंदर खौफ की कमजोरी पैदा करनी होगी, तभी तू मेरे कब्जे में आ पाएगी और मैं बहुत जल्दी करूंगा। नाकन्या, 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 कहाँ गई यार जूली? तुमने देखा उसे? यार नाकन्या रियल में सच है यार, आई मीन हमने अपनी आंखों से देखा, शीज वो रियल है यार। तुमने देखा उसे? वो इतनी फुर्तीली, इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग थी। आई एम सो बोल्ड मैन, कम ऑन यार, क्या स्टोरी मिली है आज यार, आई एम थ्रिल्ड। वैसे वो इतनी भी ग्रेट नहीं थी जितना तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इस नाग कन्या के दिल में किसी चीज का डर क्यों नहीं है? किस मिट्टी की बनी है ये? कौन है ये लड़की? कहां से आई है? क्यों मुझे हर कदम पे इससे मुंह की खानी पड़ रही है? क्यों? इसी की वजह से मुझे पांच तरह के डर की ताकत नहीं मिल पा रही है। काले साए का सम्राट बनने के लिए मुझे किसी भी कीमत पर उन पांच तरह के डर को अपने अंदर समाना होगा। बस अब मुझे दो और डर की ताकत को अपने में समाना है, खोने का डर और मरने का डर, और इनमें से एक ताकत तो मैं अपनी नई दुश्मन से लूंगा, ना कन्या से। पहले इनमें से एक डर को मैं तेरे दिल में भरूंगा, उसके बाद तेरा ही शिकार करूंगा, तुझे भी इस दीवार पे टांगूंगा, पांचों डरों को खींच लूंगा एक साथ अपने अंदर, और मैं अंधेरे की ताकत को पा लूंगा, बन जाऊंगा मैं डर के अंधेरे का बादशाह। बुरी नजर वाले तेरा वो काला, मेरी सोना पर जो काली नजर डाले उसकी नजर को धप्पा लगे। अब तो नजर भी सोना पे लगने से डरती होगी, काला जादू भी सोचता होगा कि एक बार अगर इस लड़की पे लग गया तो उसकी माँ मार मार के भुर्ता बना देगी मशीन चला के। अरे नहीं नहीं पापा, माँ इसलिए कर रही है क्योंकि वो क्या कहते, हाँ हाँ, चाय का जला रोटी भी फूक फूक के खाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते बेटा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हाँ भाई। अरे क्रिश बेटा आओ आओ। नमस्ते आंटी, कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए हो। खुश रहो बेटा। अरे माँ कृष्णा वो अपने काम में बिजी हो गया है। वो क्या कहते हैं, हाँ पूर्णिमा का चांद हो गया। अरे नहीं नहीं बेटा, पूर्णिमा का चांद नहीं, ईद का चांद। हाँ एक काम करो, तुम दोनों जाओ इत्मीनान से बातें करो, यहाँ रहोगे ना तो सिर्फ एक ही इंसान बात करता रहेगा। जी बेटा तुम लोग जाओ, मैं कुछ लाती हूँ खाने के लिए। चलो कृष। अब जब किचन में जा ही रही हो तो अपने हाथ की बनी हुई एक गर्मा गर्म इलायची और अदरक वाली चाय पिला लेना मशीन चला के। अरे ये वाओ, तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा है। वो सॉरी बा। अरे 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 रिलैक्स यार, ये सब छोड़ो। पता है मैं तुम्हें क्या बताने आया हूँ? जो हमने काला से और नाक करने की फाइट रिकॉर्ड की थी ना, वो बहुत वायरल हो गई है। तुम्हें पता है हर आदमी सच का सामना साइड पे जा जाके उसे बार बार देख रहा है। पता है कितने व्यूज मिले हैं उसको? लुक, आई विल शो यू, दिस इज अ क्लियर विनर फॉर अस, सी। मर गई सोना, अब तो सबको नागकन्या के बारे में पता चल गया, मतलब अब मैं फेमस हो गई। ओए तुम इतना क्यों हंस रही हो? वो कुछ नहीं। लुक एट दिस यार, कमाल है यार ये लड़की, नहीं पावरफुल है, आई मीन बिना डरे उस काले साए से लड़ रही है, आई एम श्योर ही उसको हरा देगी। तुझे पकड़ने से पहले मुझे तेरे अंदर डर पैदा करना पड़ेगा, तभी तू मेरे कब्जे में आ पाएगी। ओए तुम फिर से कहाँ गायब हो गई यार, कुछ हुआ? कुछ नहीं। चलो इसे पीवी को दिखाते हैं, कम ऑन।
अब क्रिश, अब तुम जाओ ऑफिस, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। क्यों, कमरा और सजाना है क्या? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कैच यू लेटर, जल्दी आना, ओके बाय। वो काला साया कौन सा डर पैदा करने की बात कर रहा था? नहीं नहीं, नाक कन्या में तो नहीं, पर सोना तो इंसान है ना, वो सोना में डर पैदा कर सकता है।